सारा भैया मेरो राम राम। और मेरा प्रयाग एजुकेशन चैनल पर माँ सारा भैया को स्वागत है जी का। किसी ने किसी परीक्षा की तैयारी करे, ये जी का प्रश्न है वे बहुत ही लाभदायक है और कई बार के प्रश्न आनता ही रेवा है, तो हर बार ही आते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो यदि आप सभी को पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें, ताकि और भी भाई हैं वो भी इन प्रश्नों से वंचित ना रहें। आप थोड़े थोड़े करके नोट्स भी बना सकते हो इनके। तो मैं अपने इस प्रयाग एजुकेशन चैनल पर क्या है, विज्ञान से संबंधित नोट्स हैं और अन्य हैं जो जैसे कि साइकोलॉजी है उससे संबंधित प्रश्न मैं यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो यदि पसंद आती है तो आपको इसका लाइक करें इसको और सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति यानी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद में श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद में है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ये है अंडा उत्पादन से संबंधित। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है तिलहन उत्पादन से, यानी तिल के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। उसके बाद में है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? ये है बायोडीजल उत्पादन से। किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। उसके बाद में है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति यानी टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। यानी लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में है गुलाबी क्रांति। किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? ये है मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। उसके बाद में है सुनहरी क्रांति। किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ये है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। तो ये सभी प्रश्न थे जो क्रांतियों से संबंधित है। फिर एक बार और चलते हैं। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से है। भूरी क्रांति उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है। लाल क्रांति टमाटर से है, मांस से है। गुलाबी क्रांति है, जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति क्या है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है। और अमृत क्रांति है वह नदी जोड़ों के प्रयोजनों से संबंधित है। ये मेरा वीडियो छोटा जरूर है, किंतु ये आपके प्रश्नों के जो एग्जाम में आएंगे उनके लिए हैं बहुत लाभदायक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर।